गांव में ही लोग सपोर्ट करते थे, कुछ लोग होते हैं भी गांव में कहते हैं कि क्या करेगा, पढ़ के क्या करेगा, इतना दिन से पढ़ रहा है कुछ नहीं हुआ है, और लोग सपोर्ट करते थे गांव में भी सपोर्ट करते थे। भैया हम बहुत सपोर्ट किए पढ़ाई में, सर लोग भी यहाँ आते थे मिलने, ये भी लोग कहते थे कि पढ़ो कुछ आगे जरूर करेगा। तभी कितना खुशी महसूस हो रहा है, अभी बहुत खुश है, परिवार के लोग भी खुश है, सर लोग भी खुश है, गांव भी खुश है पूरा। माँ की भाव से इस इलाके में 450 बच्चों को अभी तक हमने गवर्नमेंट जॉब में भेजा है, और मेरा प्रयास है हर घर में एक डॉक्टर, हर घर में एक इंजीनियर, IAS IPS बने, यह हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ मैं आपको तमाम शिक्षकों को, और अभी जो सुबोध जी हमारे पखनाहा से जो दरोगा बने हैं, उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आज मुझसे मिलने आए थे और मुझे काफ़ी काफ़ी खुशी होता है। मैं अगर हौसला हो बुलंद तो सफलता अवश्य ही मिलती है, ऐसा ही कर दिखाया है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर क्षेत्र के सुबोध कुमार ने, जो अपने घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर साइकिल चलाकर कांटी के समीधा कोचिंग सेंटर में आकर पढ़ाई करते थे और आज दरोगा की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लिया है। सुबोध कुमार ने इस सफलता के बाद उनके घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। आज अपने गुरु कारी शाही जिनके बताए रास्ते पर चल रहे थे, सफलता पाने के बाद उन्होंने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और उन्हें बधाई भी दी। और आपको बता दें कि सुबोध ने बताया कि सर का काफ़ी सहयोग रहा जो आज मैं इस मुकाम पर हूँ। इन सभी शिक्षकों का भी मार्गदर्शन और हमारी मेहनत का परिणाम है कि पढ़ाई के दौरान सुबोध ने कई परीक्षा में भाग लिया लेकिन उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी। वही दरोगा भर्ती के फॉर्म भरने के बाद सुबोध ने कड़ी मेहनत करते हुए दरोगा की परीक्षा में कामयाबी हासिल की है, और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं समीधा कोचिंग सेंटर में जहां पे उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, सभी शिक्षक वहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम कारी साहू, बिमलेश सर, कमलेश सर, अमलेश सर और सुनील सर, आनंद सर को धन्यवाद देता हूँ, इनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चला हूँ और तब इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ, मेरे पिताजी का नाम रामेश्वर प्रसाद, गांव खरिका, पोस्ट पखनाहा श्रीराम, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर हुआ। संघर्ष तो बहुत लंबा हुआ, इसमें बहुत मेहनत लगा यहां तक पहुंचने में। परिवार के लोग कितना पहले के अपेक्षा में कितना सपोर्ट होता था, कितना लोगों के द्वारा बोला जाता था कि युवा नहीं बढ़ पाएगा, तो कैसे ये सब? परिवार के लोगों का सपोर्ट हमेशा से रहा कि मतलब वो हमेशा बोलते थे कि पढ़ो अच्छा कुछ करेगा आगे। गांव में ही लोग सपोर्ट करते थे, कुछ लोग होते हैं भी गांव में कहते हैं कि क्या करेगा, पढ़ के क्या करेगा, इतना दिन से पढ़ रहा है कुछ नहीं हुआ है, और लोग सपोर्ट करते थे गांव में भी सपोर्ट करते थे। भैया हम बहुत सपोर्ट किए पढ़ाई में, सर लोग भी यहाँ आते थे मिलने, ये भी लोग कहते थे कि पढ़ो कुछ आगे जरूर करेगा। तभी कितना खुशी महसूस हो रहा है, अभी बहुत खुश है, परिवार के लोग भी खुश है, सर लोग भी खुश है, गाँव भी खुश है पूरा। क्या चीज़ में चयनित हुआ? बिहार दरोगा में अंतिम रूप से चयनित हुआ हूँ। मतलब कि कोई ऐसा घटना हुआ हो जिससे आपको मतलब इसमें रुचि आ गया कि इसी में हम जाएंगे, इसी लाइन में? एक बार की बात है, यहीं पे नीचे शाम 3 बजे से 6 बजे से क्लास चलती थी, हम आए हुए थे पढ़ने, 10-15 लोग हमारे साथ में पढ़ते थे, एक लड़की आई हुई थी, लड़की का नाम अनुप्रिया था, कारी साहू वो लड़की को लेकर आए, हम लोग उससे परिचय करवाने के लिए आए कि हाँ ये लड़की पॉलिटेक्निक पास की है, और हम लोग वहीं पर बैठे हुए थे और वो बताया कि हाँ ये लड़की इतनी मेहनत की है और पास की है, और उसी दिन हम सोचे कि ये लड़की, वो लड़की बोली कि मेहनत कीजिए आप लोग भी आगे बढ़िएगा, उसी दिन हम सोच लिए कि हमको कुछ आगे करना है, और उसी दिन से लगे मतलब सोच लिया और लगे रहे और आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। कोचिंग कहाँ? यही समझा कोचिंग नीचे में था, वो घटना की बता रहे हैं। अभी काफ़ी खुश जी, अभी बहुत खुश हैं। इस बार हमारे संस्था से एक लड़का दरोगा और एक सर्जेंट बना है, और जब से हम संस्था शुरू किए हैं 2001 से, इस इलाके के लगभग 450 लड़कों ने सरकारी नौकरियों में अपना स्थान बनाया है, बैंक मैनेजर, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में, रेलवे में और आर्मी में, इस तरह से कई विभागों में, यानी यूँ कह लीजिए कि सभी विभागों में हमारे छात्रों ने अपनी पहचान बनाया, अपना जगह बनाया। उसके लिए हमारे संस्थान के इंजीनियर बिमलेश कुमार, इंजीनियर अमलेश कुमार अमर
और प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर कमलेश कुमार का जो चतुर्दिक ज्ञान है और जो उसका समन्वय है छात्रों के प्रति, वह बेहतर समन्वय के माध्यम से छात्रों को यह मुकाम तक लाने में सफलता प्राप्त किया है। और चूंकि ये गरीब गुरुआ का इलाका था, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों पर मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट रहा, खास करके गरीब बच्चे मेरे यहाँ अधिक से अधिक कम शुल्क में अच्छी तालीम उसको मिल जाता है और वह मुकाम तक पहुँचता है। और मैं लगातार कई कार्यक्रम यहाँ के बच्चों के लिए, जागरूकता कार्यक्रम तकनीकी क्षेत्र में भी, महिला जागृति के क्षेत्र में भी, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में भी, और कई प्रकार का अवेयरनेस का कार्यक्रम किया ताकि लोग आगे बढ़े और समाज का नाम रोशन करें। आज गरीब बच्चे अपने परिवार को समृद्धशाली बना रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, मध्य वर्गीय छात्र मेरे यहाँ काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और बेहतर रिजल्ट भी ला रहे हैं, क्योंकि सभी हमारे यहाँ जो टीचर हैं वह काफ़ी क्वालिफाइड हैं, दक्ष हैं और काफ़ी एफिशिएंसी है उन लोगों में, और वो लोग अपने अच्छे तरीके से समाज को सेवा की भाव से इस इलाके में 450 बच्चों को अभी तक हमने गवर्नमेंट जॉब में भेजा है। और मेरा प्रयास है हर घर में एक डॉक्टर, हर घर में एक इंजीनियर, आईएएस आईपीएस बने, यह हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ मैं आपको तमाम शिक्षकों को, और अभी जो सुबोध जी हमारे पखनाहा से जो दरोगा बने हैं, उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आज मुझसे मिलने आए थे और मुझे काफ़ी खुशी होता है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं जब गरीब गुरुआ का बेटा ऊंचे पद को प्राप्त करता है, तो उस समय लगता है कि हमारा जिंदगी सफल हुआ। और उसी लक्ष्य के साथ मैं लगातार इस कार्यक्रम को संविधा कोचिंग सेंटर के माध्यम से गरीब गुरुओं की उन्नति के पथ पर लगातार हम लगे रहेंगे। घर घर इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस आईपीएस बनाने का मेरा संकल्प पूरा हो रहा है।